पहले तो एक मैं आज के शुभ दिन के ऊपर, आज प्रबोधिनी एकादशी है, आज अभी भगवान जाग गए हैं और ये भगवान जागे हुए ही होते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाते हैं कि तुम कर्म योग करो, मैं सोया हुआ हूं। पर आज प्रबोधिनी एकादशी से भगवान जाग गए हैं, तो पहले हमारे देवकी नंदन कृष्ण भगवान को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ और राम लल्ला को प्रणाम करता हूँ सर, और मेरी बात का शुरू करता हूँ। आज के माहौल में पूरा फतवा के सामने भगवा, ये एक आंदोलन चालू हो गया है। आज हमारे देश में एक प्रकार से जो कॉम्युनलाइजेशन इलेक्शन को बना देने में कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने और उसके साथ में शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे, मुलायम सिंह के बेटे ने, ये सब ने मिल करके 1947 जैसा एक माहौल आज हमारे महाराष्ट्र में नहीं पर पूरे हिंदुस्तान में खड़ा कर दिया है, इसका मुझे बहुत दुख है। यहाँ हिंदू और मुसलमान अमन चैन से रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, पर आज मुस्लिम लीडर, मुस्लिम